वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो वेरिएंट है लैम्डा वेरिएंट है। लैम्डा वेरिएंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो सारी दुनिया फिर से शायद कांपने लग गई है कि एक नया वेरिएंट और आने वाला है। सब जगह उथल पुथल मच गई है। अगर मैं लैम्डा वेरिएंट की बात करूं तो ये नया वेरिएंट नहीं है एक्चुअली, लेकिन WHO ने जून 2021 से इसको गंभीरता से थोड़ा सा लेना चालू किया है और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में रखा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, सबसे पहले पेरू में जून 2020 में भी इसके केस आ चुके हैं और काफी सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई थी। अगर मैं बात करता हूं पेरू की, चिली की, अर्जेंटीना की, ऐसे जो नियर बाय कंट्रीज हैं वहां पे ये वेरिएंट जो है वो फैल चुका है और इनसे काफी सारी डेथ भी हुई है। अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। लगभग 47 से 50 कंट्रीज में लैम्डा वेरिएंट फैल चुका है। अब बात आती है जो नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर कौन करता है? ये नोमेनक्लेचर WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो इतने सारे जो वेरिएंट्स आए हैं, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा ये ड्रेडफुल हो सकता है। क्योंकि अगर मैं जो स्पाइक प्रोटीन है अगर मैं बात करता हूं तो ये 7 times तक उसको अफेक्ट करने की एफिशिएंसी रख रहा है और बहुत ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि शायद इस पे वैक्सीन काम ना करे, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा ड्रेडफुल सीन होने वाला है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट की माने तो साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि जो कोरोना का ये जो लैम्डा वेरिएंट है अगर कोई वैक्सीनेटेड है तो उसको शायद रिस्क इसका कम रहेगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप जाके अपनी वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि मैं डेली न्यूज चैनल्स पे देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इससे बच रहे हैं। बहुत सारे लोग समझदार हैं, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में भी जाके इसको लगवा रहे हैं, लेकिन जो लोग बच रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। आप सब लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, लैम्डा आए, अल्फा आए, बीटा आए, जो भी वायरस आए, ओमेगा आए, जितना भी वेरिएंट आ जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने सुरक्षा अपना रखी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप सब लोग डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करिए, वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। अगर आपकी फर्स्ट डोज हो चुकी है तो सेकेंड डोज जब आपका टाइमिंग है, आपको उसके अंदर मिला होगा सर्टिफिकेट के अंदर, तो उस सेकेंड डोज के लिए आप प्रोसीड करिए। अगर उसका टाइम आ चुका है स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये अभी कोरोना वायरस रुकने नहीं वाला है। क्योंकि इसके अंदर जितना ज्यादा रेप्लिकेशन हो रहा है और जितना ज्यादा म्यूटेशन फॉर्म हो रही है, आप उससे समझ ही चुके होंगे कि शायद अभी तक की हिस्ट्री में अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक शायद ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्रबल जो वायरस है अभी तक नहीं आया है। और अगर ये आया है तो ये अभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि 1 साल से ऊपर होने को है, मतलब 1 साल से ऊपर हो चुका है और शायद लग रहा है कि 2021 भी अभी भी 15 से 20 दिन की लोगों ने बिल्कुल एक इमेजिन कर रखा है कि 15 से 20 दिन के बाद फिर से कोरोना वायरस की एक और लहर आने वाली है, जिसको हम थर्ड वेव बोल रहे हैं। उस थर्ड वेव से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाइए, क्योंकि फिर लैम्डा वेरिएंट भी वेट कर रहा है और आगे उसके ओमेगा वेरिएंट, जो कि अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब वेरिएंट हो सकता है। मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि WHO के अकॉर्डिंग अभी ये सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में बनते देर नहीं लगेगी। हम सब लोग क्या देख रहे हैं आजकल, हम सब लोग शिमला निकल चुके हैं, मनाली निकल चुके हैं, नैनीताल घूम रहे हैं और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, दूर की बात है, मास्क तक नहीं पहन रखा हम लोगों ने। तो आप थोड़ा सा इन सारी चीजों को डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद जहां आपको घूमना है वहां घूमने जाइएगा, पूरी लाइफ है घूमने के लिए, लेकिन इस टाइम पे अपना थोड़ा सा आप बचाव रखें। धन्यवाद।